टेक्सिल.com के YouTube चैनल पर मैं CA सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। यदि आप GST एक्ट के अंतर्गत एडवांस ऑथराइजेशन के अगेंस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो अब आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। CBIC ने नोटिफिकेशन नंबर 48/2017 सेंट्रल टैक्स इशू किया था, जिसमें कि बताया गया था कि कौन सी ऐसी गुड्स हैं जिन्हें GST एक्ट के अंतर्गत डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा, जिसे कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर 1 दिया गया है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति जो GST एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है वह एडवांस ऑथराइजेशन के अगेंस्ट सप्लाई करता है गुड्स की, तो उसे डीम्ड एक्सपोर्ट माना गया है। और यहाँ पे एडवांस ऑथराइजेशन का मतलब भी बताया गया है एक्सप्लेनेशन में। अब सरकार ने यहाँ पे जो सीरियल नंबर 1 है, यानी कि जिसे कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर सकते हैं, यहाँ पे इसके नीचे एक प्रोविज़न को इंसर्ट करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। अब CBIC ने नोटिफिकेशन नंबर 1/2019 सेंट्रल टैक्स इशू किया है ऑन 15th of January 2019, जिसमें कि सरकार ने नोटिफिकेशन नंबर 48/2017 सेंट्रल टैक्स को अमेंड कर दिया है। यहाँ पे एक नई प्रोविज़न इंसर्ट कर दी है सीरियल नंबर 1 में, जो कि यह कहती है कि यदि एक्सपोर्ट करने के लिए जिन इनपुट्स को यूज़ किया गया है उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया गया है और उसके बाद एक्सपोर्ट को किया गया है, तो उस केस में CA का सर्टिफिकेट लगेगा और यह सर्टिफिकेट 6 मंथ्स के अंदर आपको देना है ज्यूरिडिक्शनल कमिश्नर को। इसके अलावा यदि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज़ नहीं किया है तो उस केस में यह सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा एक्सप्लेनेशन में अमेंडमेंट की गई है। एक्सप्लेनेशन 1 में जो सीरियल नंबर 1 है उसमें प्री इम्पोर्ट बेसिस वर्ड को डिलीट किया गया है। इस प्रकार नोटिफिकेशन में जो ये एडवांस ऑथराइजेशन की डेफिनेशन दी गई थी, यहाँ पे ऑन प्री इम्पोर्ट बेसिस वर्ड दिया गया था, इसे डिलीट कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। GST पर नई बुक्स मार्केट में आ गई हैं, इन बुक्स को रेफर करने के लिए लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप GST के कंसेप्ट को समझना चाहते हैं या फिर GST के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी पर जाकर मेरी प्रोफाइल में वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। और आप अनअकैडमी की लर्नर ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक है GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। GST टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसे लगी इसके बारे में हमें बताएं, लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं। यदि आप GST से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारे प्रीवियस GST न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं।